दोस्तों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहा जाता है और वायुमंडल के इन हवाओं के जो परतें हैं इनको कितने भागों में, चारों ओर हवा के या गैस के घेरों को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से लेकर के पृथ्वी के चारों ओर 16,000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। 16,000 किलोमीटर की दूरी में फैला है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का एक मंडल है। इन हवाओं के मंडल को, इन गैसों के मंडल को वायुमंडल कहते हैं। अग्नि वायुमंडल को मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा गया है। तो देख रहे हैं, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है वायुमंडल। इस तरह से इसको पांच भागों में बांटा गया है और यह पृथ्वी के चारों ओर इनकी दूरी जो है वह 16,000 किलोमीटर के लगभग है। यह लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ पृथ्वी के हैं और ये चारों तरफ पृथ्वी से घिरे हुए हैं। वायुमंडल की परतों को आप इस तरह भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर से तो सबसे ऊपर जो होता है वह वायुमंडल होता है। वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर। और इसके बाद होता है आयन मंडल, आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, इंग्लिश में इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। इसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरह से पांच परतें हो गई। अगर आप नीचे से देखेंगे जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से देंगे तो ये होगा क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और इसके बाद वायुमंडल होगा। वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल के चारों तरफ जो परतों के रूप में गैसें फैली हुई हैं उनको हम कहते हैं कि उनका एक एक मंडल है। तो इस वायुमंडल को आपने देखा कि इनको पांच भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है वायुमंडल। और इन सबकी पृथ्वी के चारों ओर इनकी जो लंबाई है वह 16,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो इस तरह से हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल देख लें धरातल है, धरातल से सटा हुआ जो मंडल होता है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। तो धरातल के सबसे निकट जो वायु होती है यह सबसे सघन भी होती है, यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो क्षोभ मंडल को कहेंगे कि जो धरातल से सबसे नीचे वाली परत होती है, धरातल के समीप धरातल से सटी हुई जो मंडल जो परत होती है उसको हम कहते हैं, या इसको मंडल भी कह सकते हैं, जो मंडल होता है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो धरातल के सबसे निकट सघन वायु वाली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह वह परत है जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ पर धूल के कण तथा जलवाष्प के कण भी उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार से इस मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, यहाँ पर जैसे बरसात का होना, आंधी का आना, तूफान आना, बिजली का चमकना, बहुत सारे जो भी घटनाएं होती हैं, मूसलाधार वर्षा होना, जलजला आना,
सब यहीं पर होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी घटनाएं होती हैं ये इसी क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। यहाँ पर आधी, तूफान, बरसात, बिजली का तेज़ी से चमकना सब इसी में होता है। और यह औसत रूप से इस मंडल की ऊंचाई जो होती है यह लगभग 11 किलोमीटर है। अब हम समझ लें कि यह हमारे पृथ्वी से 11 किलोमीटर की दूरी तक यह मंडल फैला हुआ है, जहाँ पर बरसात और साथ सब चीज़ होता है। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? यह क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है, देख रहे हैं समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद वाली जो परत होती है इसको कहते हैं। यह समताप मंडल का तापमान हमेशा समान रहता है, यहाँ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो यहाँ पर कभी आंधी तूफान आता है और न तो यहाँ पर कभी कोई भी चीज़ होता है, यहाँ का तापमान हमेशा सामान्य होता है, इसलिए इसको समताप मंडल। समताप मंडल में से होकर के जहाज़ों की उड़ानें भी होती हैं, जहाज़ें जो उड़ती हैं ये इसी मंडल से होकर के गुजरती हैं। तो इस क्योंकि यहाँ पर किसी भी जहाज़ या किसी भी वायुयान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जब यहाँ पर आधी तूफान या बिजली का तड़कना कुछ भी नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस समताप, इसको समताप मंडल कहते हैं। मंडल के ऊपर स्वच्छ एवं शीतल वायु की परत को समताप मंडल कहा जाता है। यहाँ की वायु बहुत ही स्वच्छ और शीतल होती है, इसलिए इसको कहा जाता है समताप मंडल। अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर जहाज़ों की उड़ान यहीं से होती है, जहाज़ें यहीं में से होकर के उड़ती हुई एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। और यह क्षोभ मंडल से समताप मंडल को पृथक करने वाले क्षेत्र को आप जानते हैं क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये देख रहे हैं इस क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, इनके बीच में देख रहे हैं एक ये अलग करने वाली, अगर देखा जाए तो एक अलग करने वाली परत होगी, एक बाउंड्री होगी, एक सीमा होगी। इस सीमा को हम क्या कहते हैं? इस सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। ये हो गया क्षोभ सीमा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य मंडल क्या है। तो ये समताप मंडल के ऊपर वाला मंडल है, ये देख रहे हैं यह समताप मंडल के ऊपर का मंडल है, इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह ओजोन मंडल, ये ओजोन मंडल है क्या? ओजोन मंडल ऑक्सीजन की एक परत होती है। यह परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह परत जो होती है यह ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के बना हुआ एक परत होता है, जिसका आणविक सूत्र होता है O3, जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन की परत होती है और यह ओजोन क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल में भी पाई जाती है। ऊपरी क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल में पाई जाने वाली यह गैस होती है और यह ओजोन गैस जो होती है, यह जो परत होती है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये शरीर के लिए या पृथ्वी पर पड़ने पर पृथ्वी के जीवन और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए यह ओजोन परत जो होती है, जिसको हम मध्यमंडल कहते हैं, इसको हम ओजोन मंडल भी कह सकते हैं, ओजोन परत भी कह सकते हैं। यह एक छतरी की तरह पृथ्वी के चारों ओर छाया रहता है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को इसके अंदर से होकर के नहीं जाने देता। लेकिन जब ऑक्सीजन की वायुमंडल में कमी होने लगती है तो ओजोन ये टूट करके ऑक्सीजन में परिवर्तित होकर के यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में काम करने लगती है। और यह जब ऑक्सीजन के रूप में काम करने लगती है तो जिससे धीरे धीरे इस ओजोन परत में धीरे धीरे होल होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे इसमें छिद्र होना शुरू हो जाता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं
जैसे एक छतरी लेकर के आप चल रहे हैं। अगर छतरी में छिद्र होगा तो आप बरसात से भीग जाएंगे या आपको धूप भी लग सकती है। इसी तरह से इस ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाएगा, इसमें होल हो जाएंगे, तो सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगेंगी और इससे हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। इसलिए इस ओजोन परत में होने वाले छिद्रों को हमको बंद करना चाहिए। तो बंद करने का एक ही उपाय है कि हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो ये परत टूटेगी नहीं, और जब ये परत टूटेगी नहीं तो इसमें छिद्र नहीं होगा। आयन मंडल देख रहे हैं या मध्य मंडल के ऊपर वाली परत है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी भाग से थर्मोस्फीयर के एक बड़े हिस्से तक की परत को आयन मंडल कहते हैं। यहाँ गैसों के कण विद्युत चालित तरंगों वाले होते हैं। यहाँ के गैसों के कण जो होते हैं बहुत अधिक गतिशील होते हैं, इनके चाल बहुत अधिक होती है, इनके कणों का वेग बहुत अधिक होता है। यह आयन मंडल हमारी संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आयन मंडल के माध्यम से ही रेडियो तरंगें विभिन्न स्थानों को भेजी जा सकती हैं। आप देख रहे हैं कि आयन मंडल जो होता है, यह आयन मंडल ये जो है नेटवर्क और विद्युत तरंगों, ध्वनि तरंगों, सारी तरंगों को यह एक दूसरे के स्थान से भेजने का अच्छा साधक है, अच्छा साधन है, जिससे हमारी तरंगे या हमारे जो संदेश जो भी होगा उसको हम बड़े आसानी से चारों तरफ भेज सकते हैं। तो आयन मंडल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह जो है संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखता है। इसके बाद होता है वायुमंडल। वायुमंडल किसको कहते हैं? वायुमंडल यह ऊपरी परत वाला होता है। सबसे ऊपर की जो परत होती है आयन मंडल के ऊपर पाए जाने वाली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इस परत की वायु विरल होती है और यहाँ पर धीरे धीरे वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और यह देख रहे हैं कि यह जो परत होती है, यह परत एकदम बाहर की परत होती है। इसके ऊपर अंतरिक्ष है, यहाँ पर वायु की बहुत ही कमी होती है। यहाँ पर वायु की बहुत ही कमी होने के कारण यहाँ पर वायु के जो कण होते हैं, जो वायु के अणु होते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। जब बहुत कम होगी तो बहुत दूर दूर होंगे, बहुत विरल होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।